टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पोटली के अंदर, क्योंकि जो टॉस जीतती है टीम पहले घर में वो जाती है। और बारी है, बताइए, चैंपियंस नहीं है, टिकटॉकर्स है। और ये टॉस चैंपियंस हार गए हैं, इसलिए टिकटॉकर्स पहले जाएंगे घर के अंदर। आ जाओ गाइस, हाथ ऊपर, अब्दुल बासित मैं देख रहा हूं। चलो भाई, तीन लोग चाहिए मुझे, कोई आ जाओ, चलो बोल जा सिमसन, जाओ जल्दी से, तुम्हारे पास 5 सेकंड है। मैंने कहा 5, 4, टाइम जा रहा है, 3, 2, और जाइए आपकी बारी, जल्दी से आराम। 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, और ये टाइम खत्म आराम का, और ये 1। आ जाओ, टाइम अप, आइए। 5। मैंने नहीं देखा यार, मैं वहां था, कौन लेटा था। चलो जी, आ जाओ, आप लोगों की बारी है, आइए, कौन कौन आएगा। हम तीनों लड़कियां हैं, आ जाओ जल्दी से, चलो। राबेल, सर ये लेट रहा है, बार बार लेट रहा है। मैं ऐसा लेटाऊंगा तुम्हें, उठना भूल जाओगे। हाथ ऊपर, आओ जल्दी से, आओ, कौन आएगा। 3 प्लेयर, जल्दी से। हाँ मैं देख रहा हूँ अब्दुल बासित, कैमरा तुम पर ही है। चलो भाई, जाओ जल्दी जाओ, टाइम जा रहा है। कोई सी भी एक पोटली ले आइए आप, 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, हाँ मैंने देख लिया। अच्छा भाई, अब बासित की सजा जो है वो 2 गेम्स तक ऐसी रहेगी। चलो भाई, देख लिया मैंने, चलो अब हाथ ऊपर, मैं 3 गेम्स तक बिठा दूंगा तुम्हें, 2 गेम्स तक बैठा भाई अब। 5, 4, 3, 2, अरे अरे आराम, चलो भाई, 5, 4, 3, चलो भाई आ गए, अभी आइए हाथ ऊपर है। क्या कर लिया, नहीं अब तो टाइम, आइए, चलिए जी शुरू करते हैं आज की पोटली। याद रहे, टॉस जीते हैं टिकटॉकर्स के, पहले वो लोग गए थे गार के अंदर और अपनी मनपसंद 3 पोटलियां लेकर आए हैं। तुम कॉमेडी कर रहे थे, मैंने सुना, लेट रहे थे, उठ रहे थे, है ऐसा नहीं था कुछ, चलो कोई बात नहीं। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का पोटली गेम, याद रहे 3 पॉइंट का गेम है। लाइए सबसे पहले आज अबीहा की नहीं, मेहमान जो है उनकी पोटली खोली जाएगी। लाइए राबेल लेकर आई है पोटली नंबर 1, देखते हैं आज पोटली नंबर 1 में राबेल कितने पैसे लेकर आई है। हाँ जी आमिर साहब, आप तो बोलेंगे 10 लाख, पक्का 10 लाख है, मुझे पता था मुझे। राबेल आपको खुद क्या लगता है, माइक में एक्सपेक्टेड तो यही है कि ज्यादा ही होंगे, ज्यादा होंगे। चलिए भी बताइए, बलाज जो बोलता है अक्सर वही होता है, बड़ी स्केरी बात है वैसे ही, बताइए। -2 लाख -2 लाख, ओ बलाज को लगता है इसमें -2 लाख है, बताइए जल्दी से। मैं तो चाहता हूँ कि 10 लाख। अच्छा चाहते हैं लेकिन इनको लगता है कि -2 लाख होंगे। तू बाप को क्या लगता है, 7-8 लाख, 7-8 मतलब 7 या 8, 8 लाख, 8 लाख, हाँ भाई, 1 मिलियन, 1 मिलियन, अभी 9 लाख, यहाँ से पूछूंगा मैं अरहम से। अरहम, पोटली नंबर 1 लेकर आई राबेल टीम चैंपियंस के लिए, क्या लगता है क्या है इसमें, -10 लाख लग रहे। अरे तुम्हारी पोटली कौन सी है, तुम्हारी पोटली कौन सी है, तुम्हारी अच्छी नहीं है ना, उस हिसाब से बता रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी, उस हिसाब से बता रही हूँ। टिकटॉक पे तो कोई भी अच्छा लग सकता है, एलईडी लाइट्स पहले तो देखा, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, अभी रियल में तो किसी काम की नहीं होती। तुम बड़े काम की हो, जी हाँ जी, बड़े काम आ रही हो, काम वाली आप है, जाओ तुम बैठ जाओ। चलो भाई मैं बताता हूँ कि कौन किसके काम आ रहा है और किसकी किस्मत किसके काम आई है। चैंपियंस को लग रहा है कि इसमें तो कोई बड़ा अमा 10 लाख लग रहा था आमिर को। आमिर चाहता है कि राबेल जब भी पोटली लेकर आए या जो ब्रीफ केस मंगाए इसमें बड़ा अमाउंट निकलना चाहिए, लेकिन इनके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मैं बताता हूँ आपको कि राबेल की किस्मत में कितना अमाउंट था आज, किसने बोले थे माइनस, आराम ने बोला -10 लाख, और कभी कभी दुआ कबूल नहीं होती है, 4 लाख प्लस में, गुड गुड गुड, 4 लाख प्लस में, 4 लाख स्टार्ट। अच्छा
दानिश सर जी बताइए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही निकलता है। अब लोगों के बुरा कहने से कुछ बुरा थोड़ी ना हो सकता है। ये बात, यही बात मैं कहना चाह रहा था। लेकिन 4 लाख रुपए निकले हैं, मैं देखना चाहूंगा आप लोग पहले गए थे कार में, अपनी मनपसंद पोटलियां लेकर आई है। इसलिए लाई सबसे पहले रबीका की पोटली। लाओ भाई रबीका। रबीका लेकर आई है अपनी मनपसंद लाइट पिंक कलर की पोटली है भाई। अब तुम लोग इसमें से झांक नहीं सकते, कितनी अच्छी बात है ना। मैंने इनसे कहा पोटलियां चेंज कराओ और ऐसी कराओ कि इसमें से अंदर और बाहर नजर ना आए कुछ। अब देख के दिखाओ तुम लोग। चलिए जी, पोटली नंबर 6 लेकर आई है अबीहा। हुसैन क्या लगता है? सॉरी अबीहा नहीं, रबीका। नाम मिलते जुलते ना बहने लगती हो तुम लोग। हाँ 6 लाख। 6 नंबर में 6 लाख होने चाहिए। अच्छा रबीका 7 लाख। चलो ख्वाहिशात अच्छी है, 10 लाख है इंशाल्लाह। 10। तुम्हारी पोटली कौन सी है? 3 नंबर। बता दो इसमें क्या है। हाँ बताओ। 6 लाख। 6 लाख ठीक है। माइनस के 25-30 कितने? माइनस कुछ होगा, माइनस 3 या 4। ये तुम सीरियसली वाली बता रही हो? माइनस 3 या 4 लाख। फटा फटा तो नहीं होगी रबीका से? नहीं, फटा नहीं हुआ। पक्की बात है? चलिए जी अब्दुल बासित क्या लगता है? 7 लाख। 7 लाख प्लस। मैं यहाँ से पूछूंगा मैं तूबा से। तूबा कितना अमाउंट है इसमें? माइनस दस लाख। आइए 6 नंबर पोर्टली ओपन करने जा रहा हूँ। रबीका की पोटली है। रबीका की पोटली में अक्सर अच्छा अमाउंट ही निकलता ता ता। आज कुछ ज्यादा अच्छा निकल गया। आज कुछ ज्यादा अच्छा निकल गया। अगर ये ज्यादा अच्छा है तो मैं बुरा क्या होता है? बुरा तो माइनस में होता है ना। तो वही तो कह रहा हूँ। रबीका तुम लेकर आई पोटली नंबर 6। सबसे पहले तुम्हारी टीम गई थी गार के अंदर, तुम्हारे पास पूरे ऑप्शन थे 9 पोटलियों के, लेकिन तुम्हारे लिए किस्मत ने चुना पोटली नंबर 6 को। टिकटॉकर्स को लगता है कि इसके अंदर प्लस में अमाउंट है, सिवाय एक टिकटॉकर के जिसका नाम है शाहताज। शाहताज को लग रहा था कि इसमें माइनस का अमाउंट है। अबीहा कितना अमाउंट निकला है जल्दी से बताओ? 7 लाख प्लस में जी। अबीहा 7 लाख, तो पूरे 7 नहीं माइनस 4 लाख। मुझे इससे पूरी उम्मीद थी माइनस में लाएगी। हाँ, और ये मेरी उम्मीद पे पूरा उतरी। अब तुमसे उम्मीदें जोड़ के रखने लगा कि तुम जब भी पोटी लेकर आती हो माइनस में लेकर आती हो। आज भी -4 लाख से स्टार्ट, बहुत बुरा हुआ है गाइस। अब वापस आने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए तुम्हें पोटली के अंदर। खैर यहाँ से खुलेगी अबीहा की पोटली। यहाँ से खोलूंगा मैं वाकई अबीहा की पोटली नहीं बल्कि तूबा की पोटली। लाओ भाई तूबा लेकर आए पोटली नंबर 2। ओहो क्या लगता है आमिर सेठ? सर इसमें 2 में 7 लाख है मुझे लगा। जो बोलता है वो कभी नहीं होता रे। आज होगा रे। चुप चुप। हाँ जी बताइए। लेकिन मुझे लगता है गौर से सुननी पड़ती है, बाज ये तुक्के बहुत अच्छे मारता है। बलाज बताओ। वैसे आजकल नहीं लग रहे सर तुक्के। हाँ 2 दिन से नहीं लग रहे, हो सकता है आज लग जाए। वैसे ब्रीफकेस में लग रहे हैं, पोटली में नहीं लग रहे। इसमें क्या है बताओ? इसमें होंगे 6 लाख प्लस में। प्लस। चलो तूबा मुझे माइनस लग रहा है। अरे इतनी अच्छी खुद ही अपनी पोटली में माइनस लाई है। बताओ सर। 7 लाख प्लस में। 1 मिलियन नहीं है। 7 लाख। ओके होप सो। बताओ। 8 लाख। 8 लाख यहाँ से पूछूंगा मैं मीर से। मीर कितना अमाउंट है? -5 लाख है पक्का। हुसैन क्या लगता है तुम्हें? -6 लाख। टिकटॉकर्स चाहते हैं कि इस पोटली में माइनस का अमाउंट निकले, क्योंकि अगर माइनस का अमाउंट निकलता है तो ही तुम लोगों के जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और मैं बताता हूँ किस्मत क्या चाहती है तुम दोनों के साथ। ओहो माइनस। हाँ तुम्हें लग रहा था कि माइनस होना चाहिए? माइनस होगा मुझे लग रहा है। तो मैं तुमसे कह रहा था कि अच्छी बात सोचनी चाहिए। जब तुम लोग जीत रहे थे 4 लाख के साथ तो तुमने क्यों सोचा कि तुम्हारा माइनस निकलेगा? माइनस निकला या नहीं निकला ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। कितना मेरा मतलब कितना अमाउंट निकला है? -5 लाख। और तूबा ने खुद भी बोल दिया था माइनस, तो फिर ले लो माइनस नहीं +5 लाख। दानिश सर मैंने बोला था इसमें अच्छा निकलेगा। बिल्कुल सही 5 लाख। 5 लाख रुपए प्लस में निकले हैं। याद रहे कि चैंपियंस गार में बाद में गए थे, पहले आप लोग गए थे, इनके पास ऑप्शंस कम थे, फिर भी इन्होंने अपने अकाउंट में पूरे प्लस में 9 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। वहीं पर टिकटॉकर्स
-4 लाख रुपए पे है। लाओ भाई नेक्स्ट पोटली में खोलूंगा, जो कह रही थी -10। पोटली नंबर 3 लेकर आओ भाई। पांच है ये शाहताज की पोटली। शाहताज तुमने खोल के देख ली मुझे लग रहा है। नहीं 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 अच्छा क्या है इसमें? माइक 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 जल्दी से शाहताज को दीजिए। प्लस का अमाउंट होना चाहिए। होना तो चाहिए, अगर प्लस का अमाउंट अब भी नहीं निकला तो फिर तुम लोग नहीं जीत सकते। हाँ जी बताइए अब्दुल बासित। इसमें 5 से ऊपर है इंशाल्लाह। 5 लाख से ऊपर है? चलो हाँ भाई बताओ। इंशाल्लाह 8 लाख रुपए। चलो ओके। हाँ भाई अरहम। इंशाल्लाह 10 लाख। 10 लाख ओके। 7 लाख। क्यों 10 क्यों नहीं निकले? बस 7 लाख ही निकले। अच्छा चलो 7 लाख ही निकले। रवि का कह रही। हाँ भाई 7 लाख। 7 लाख यहाँ से पूछूंगा मैं। बताओ भाई कितना अमाउंट? 1 करोड़। इतना अमाउंट तो है ही नहीं। -1 करोड़ राबेल चाहती है कि निकले। अब मैं बताता हूँ कि किस्मत क्या चाहती है। पोटली नंबर 5 शाहताज लेकर आई हैं और शाहताज आज अपनी टीम को जिताने में कामयाब होंगी या नहीं बताता हूँ भी। -4 लाख रुपए पहली पोटली में लेकर आए थे रवि का। अब एक बड़ा अमाउंट ड्यू था टीम टिकटॉकर्स के ऊपर, क्योंकि अगर आज ये बड़ा अमाउंट नहीं लेकर आते तो फिर ये लोग हार जाते। लेकिन दूसरी पोटली में भी अगर माइनस निकल आए तो फिर कैसे जीतोगे? +6 लाख। 6 लाख प्लस में, 6 लाख प्लस में। अब इन लोगों का टोटल अभी तक हुआ है +2 लाख। वही तुम लोग 9 लाख पर हो गाइस, अभी भी नहीं जीते तुम लोग। अब अगर तुम्हारी आखिरी पोटली में माइनस का अमाउंट निकल आता है तो फिर इनके पास चांस होगा आज ये 3 पॉइंट्स जीतने का। लेकिन अगर माइनस निकलता है तो लाओ आखिरी पोटली। अब बिहार को बहुत जल्दी थी इसलिए मैं इसकी पोटली सबसे आखिर में खोल रहा हूं। मुझे जल्दबाजी इस चीज़ की थी। मैंने पिछले 3 दफ़ा 9 नंबर लिया और हमेशा माइनस निकले, मगर आज मैं चाहती हूँ इसमें प्लस निकले। जब हमेशा माइनस निकला तो फिर आज प्लस में कैसे निकलेगा बिहार? आप कहते हैं ना किस्मत रोजाना चेंज होती है, मतलब तो वही तो कह रहा हूँ। जब तुम निकल रही थी तो कोई दूसरा नंबर लेना चाहिए था ना आज? नहीं मुझे नंबर अच्छा लगता है। चलो भाई अभी आपको ये नंबर बहुत पसंद है और मैं जल्दी से देखता हूँ। नहीं देखूँ क्यों बगैर देखे? अभी आप कितना अमाउंट है इसमें? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे बोलो ना। नहीं अरे शर्माओ नहीं, बोलो कितना अमाउंट है? 10 लाख प्लस में। बिलाल को माइक दो। बिलाल साहब 4 लाख प्लस में जी। अच्छा तुबा 1 लाख। बलाज 7 लाख। 7 लाख प्लस में। राबेल 5 लाख। 5 लाख प्लस में। आमिर सेठ एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो सर। अभिया ने आज मेरी वाली कैलकुलेशन पुरानी वाली जो यूज की है तो मुझे लगता है अब ये पक्का इसमें होगा प्लस में होगा। प्लस में 9 या 10 लाख जो मैं पहले करता था। 9 या 10 लाख प्लस में। हाँ हाँ चलो भाई 9 या 10 लाख रुपए है प्लस में। आमिर ने बोला, यहाँ से पूछूंगा अब्दुल बासित तुम्हें क्या लगता है? आमिर ने जो बोला हमेशा ऑपोजिट निकला है। माइनस में माइनस में अगर प्लस बोला है माइनस निकला है और माइनस बोला है तो प्लस निकला है। दानिश भाई, दानिश भाई अगर सही निकलता है तो ये अपने बाल ये भी जो बचे हुए हैं ये भी कटवा देगा। अच्छा ये जो बोल रहे हैं इसके लिए एक शेर है। अच्छा एक मिनट गजनी बन जाओगे अगर माइनस निकलता है तुम कहोगे गजनी? तुम कटाओगे बाल? माइनस मैं बाल कटवाऊंगा। नहीं गंजे गंजे हो चाहो तो बात करो फिर। चलो जी बताता हूँ मैं। -9 के अंदर अभी आने आज क्या ब्लंडर। दानिश सर देखिए अगर आज इसमें माइनस निकला तो फिर डेफिनेटली किसी टीम को मुझसे बड़ा मसला है जो हमेशा 9 नंबर में माइनस रख देता है। किसी को क्यों मसला होगा भैया? ये क्या बात है? तुम क्यों अपने ऊपर इतना सोचती रहती हो? अच्छा एक बात जब तुम्हारा माइनस में मुसलसल अमाउंट निकल रहा है एक पोटली के अंदर, व्हाई डोंट यू चेंज इट? तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी है। आदिल ने कहा, मैंने फिर दिल की मान ली। चलो भाई बताता हूँ तुम्हारे दिल ने क्या कहा। आवाज नहीं आ रही है कि 9 नंबर पोटली अभी यहाँ 2 बार से लेकर आ रही थी और माइनस निकला इनको। आज ये पोटली रिपीट नहीं करनी चाहिए थी। 9 लाख रुपए पहले थे, 9 में से ऐड होते कितने माइनस हुए? 7 10 10 माइनस नहीं 10 नहीं है 7 7 लाख। 9 लाख रुपए बड़ी मुश्किलों से जमा किए थे चैंपियंस ने, अभी तक जीत रहे थे और माइनस नहीं हुए प्लस 6 लाख। कितने? 6 लाख पूरे 6 लाख रुपए जमा किए हैं चैंपियन ने। मजीद 9 और 6 15 लाख रुपए के साथ आज का पोटली गेम तुम लोग विन कर चुके हो। लेकिन
आखिरी पोटली रह गई है अरहम की लेकर, और हम जा रहे थे सबसे पहले, आप गए थे मेरे ख्याल से, शाहताज गई थी जो 6 लाख रुपए लेकर आई थी, और अरहम गए थे दूसरे नंबर पे। अरहम लेकर आई है आज पोटली नंबर 3 में, कितना भी अमाउंट ले आए 15 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते। आप लोग हार चुके हैं ये पोटली गेम, 3 पॉइंट चले गए हैं। इसके अंदर क्या होंगे? चूहे। चूहे आपने बोला, आप क्या करिए इसके अंदर? बिलाल को बाहर कर। गारंटीड है, गारंटीड माइनस लग रहा है तुम लोगों को, क्योंकि अरहम की पोटली इसलिए लग रहा है। फिर एक हमारी ट्रिक है। ट्रिक है? अच्छा, वो ट्रिक कभी भी नहीं चली, और वो ट्रिक आज चल गई, -5 लाख। -5 लाख। -5, -4 और 6 के बाद आपका ग्रैंड टोटल है -3 लाख। वहीं पर 15 लाख प्लस में जमा किया चैंपियंस ने। किस्मत आज चैंपियंस के साथ है, इसलिए 3 पॉइंट्स भी गए चैंपियंस के साथ। आ जाओ दुनिया तो प्यार मिले, कोई मिले दार मिले, आउंदा सा बात गल बात दा, दिल रेने माल मेरे रहना में लाल, मेरे सौदा है पहली मुलाकात दा, है लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो। ये क्या लुटी थी? कौन सी लुटी है? कहाँ होती ऐसी लुटियाँ? तो गाना समझ, माइक दो। वो कह रहा है यार मुझे ये गाना समझ ही नहीं आता, मैं लुड्डी का मतलब क्या होता है? क्या लुड्डी होती है वैसे? ये आपको लकी बताएंगे लुड्डी क्या होती है। लुड्डी सर डांस करते हैं, ये पंजाबी जो इस तरह डालते हैं उसको कहते हैं लुड्डी। उसको मैंने चेंज कर दिया, ये सीक्वेंस बना दिया मैंने, वो यहां ऊपर से लाते हैं, मैं डाउन करके लाता हूं। ये सीक्वेंस तो तुमने हर गाने में बनाया है? मैं यूं करता हूं उसके अंदर ये। हाँ, और इसमें क्या किया है? मतलब चेंज हो गया ना, कॉपी नहीं करता ना, वो ऊपर से लाते हैं, मैं डाउन से लाता हूं। बढ़िया बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।